अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफियत के साथ रखें। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन पैटीज़ की रेसिपी जो हम पफ पेस्ट्री से बनाते हैं। सबसे पहले मैंने 4 टेबलस्पून बटर लिया है और 2 दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने ऑमलेट की तरह से जैसे चॉप कर लेते हैं वो चॉप की हुई है उसको मैंने बटर के अंदर डाल दिया है। प्याज का कलर थोड़ा सा जब चेंज हो जाएगा थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हम डालेंगे इसमें चिकन। चिकन मैंने 1/2 kg ली है, बोनलेस है। इसको मैंने कीमा नहीं बनाया था लेकिन यह कि इसको जैसे छोटे छोटे से चंक्स की शक्ल में काट लिया था। बाकी जब ये गल जाएगा अभी आगे आप जाके देखिएगा कि इसका फिर क्या बनता है। तो अब इसको बस इतनी देर तक हमने कुक करना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए और इसका जो पानी है ना इसको हाई फ्लेम पे ही हमने पकाना है ताकि जो इसका चिकन के जूसेस जो भी रिलीज़ हों वो इसके अंदर ही उसका अच्छा सा फ्लेवर रहे। उसके बाद जब चिकन डन हो गई है, पानी उसका ड्राई हो गया, तो फिर मैंने इसके अंदर जो मैदा है ये 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है और इसको फिर क्योंकि अब इसको मीडियम हीट पे हम पकाएंगे क्योंकि जब हम मैदा डालेंगे तो ये फौरन ही पैन के साथ स्टिक होना शुरू हो जाता है। तो बस यूँ करें कि थोड़ा सा ही मैदा जब कलर चेंज कर जाए उसका कच्चापन हल्का सा हमने दूर करना है और साथ ही फिर इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता मिल्क ऐड करना शुरू कर देंगे। इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट साथ साथ मेंशन कर दी है। तो दूध जो है वो 2 कप है लेकिन इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करते जाएंगे। साथ साथ ये देखिए चिकन को मैं जिस तरह से जैसे श्रेडिड हो जाता है उसी तरह का मैं कर रही हूँ ताकि इसको साथ साथ अगर कहीं पर कोई थोड़ा सा बड़ा चंक नज़र आ रहा है तो उसको भी मैं छोटा कर लूँ। इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब जी सीजनिंग कर लेते हैं। उसमें सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है और चिली फ्लेक्स हैं। ये तीनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। वैसे इतने के अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 ही टीस्पून जो सॉल्ट है वो काफ़ी हो जाएगा और चिली फ्लेक्स जो हैं उनका तो वो भी बेशक 1 टीस्पून डाल लें या इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इनको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब इसको हमने मीडियम हीट पे ही पकाना है, फिर ग्रेजुअली इसमें दूध ऐड करते जाएंगे और इसको कुक करते जाएंगे यहाँ तक कि इसमें कोई चीज़ जो है वो मैदा वगैरह जो है उसका कच्चापन भी ना रहे और ये एक स्मूथ सी हमारे पास एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। अभी ये देखें ऐसी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी हमें चाहिए। इसको अब मैं एक बाउल में निकाल दूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी क्योंकि हमेशा फिलिंग जो है जब ठंडी हो फिर ये सेट हो जाएगी फिर इजी होगा। तो इसको अभी हम ठंडा होने के लिए वेट करेंगे। दूसरी तरफ मेरे पास जो पफ पेस्ट्री की शीट्स हैं इनको मैंने आप जिस भी शक्ल में काटना चाहें, मैंने इनको ट्राइंगुलर शेप में काटा था। सर्कल में अगर करना हो तो वो कटर से आप इनको राउंड कर लें अगर राउंड शेप बनानी हो, और अगर ट्रायंगल बनानी हो तो उसके लिए हमें स्क्वायर काटना पड़ेगा। तो ये बस इसको फिलिंग देखें, तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाली, मुझे थोड़ा कम लग रहा था पर फिर मैंने थोड़ी सी और डाली। इसमें बस अब फाइनली हम फिलिंग करके तो इनको हम बंद कर लेंगे। शेप आप जैसी भी चाहें वो इनको दे सकते हैं। और इसके लिए अब हमें नेक्स्ट जो है वो चाहिए होता है एग वॉश। उसके लिए अंडा एक फेंट के रख लिया है मैंने और अब बस फाइनली जब ये हमारे रेडी हो गई हैं सारे पैटीज तो इसके ऊपर मैं अब एग वॉश लगा दूंगी। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में सबसे अहम चीज़ ना वो ये होती है कि हमने उतनी देर जब तक ये रेडी हो रहे हैं हम अपना ओवन जो है ना उसको प्री हीट कर लें। तो प्री हीट हमेशा पहले हाई पे करके कर लेते हैं, उसके बाद जो हमने एडजस्ट करना होता है टेम्परेचर वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो इसको हम 180 डिग्री पे बेक करेंगे इन पैटीज़ को और ये तकरीबन 15 मिनट में बहुत अच्छे बन जाते हैं, 15 से 18 मिनट। ये भी जो ओवन का टाइम होता है ये भी वेरी करता है। आपको जहाँ पे अब आप बनाते हैं आपको अंदाज़ा होगा कि आपके वाले ओवन में कितना टाइम लगता है। और अगर जिनके पास ओवन नहीं है तो वो लोग इसको बिल्कुल पतीली में रख के जैसे हम केक बना लेते हैं बेहतर ये होता है, कोई खुले पेंदे वाली जैसे कढ़ाई होती है उसके अंदर आप इसको प्लेट में रखें और उसके अंदर भी ये बहुत अच्छे से जैसे केक बन जाता है वैसे ये पैटीज बन जाती हैं। तो अब तक कोई इशू नहीं है कि जिसके पास ओवन नहीं है वो नहीं बना सकता। तो अब तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेकरी की ये पतीली में या कुकर में बहुत आसानी से बन जाती हैं। तो
तो ये इसकी जो भी शक्ल आपको देनी हो आप उसको वो शेप दे लें और ये फाइनली हमारी रेडी हो गई हैं इनको बेक के लिए रखने के लिए। और ये देखें जी, ये हमारा पहला बैच जो है ये निकल आया है बनके, और आप इनको देखिए कितने ये बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुए हैं, बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं। पाकिस्तान में तो बेकरीज से ये जो पैटीज़ होते हैं ये अक्सर लाए जाते हैं, तो बेहतर ये है कि हम घर में ये चीज़ें बना लें। और जो पफ़ पेस्ट्री है उस पर बहुत मेहनत लगती है, तो वो स्टोर बॉट मैंने ली हुई थी, वो हम यहाँ ख़ुद नहीं बनाते हैं, लेकिन ये है कि बाकी फिलिंग रेडी करें तो ये झटपट बन जाते हैं और बच्चों के तो फेवरेट हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, और मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।